मेरे पास दो हैं 12 चैप्टर की स्लाइड्स, एक ये है जो पीडीएफ फॉर्म में मैंने आपको शेयर कर दी है, अगर जरूरत हुई ये ज्यादा बेहतर है, जरूरत हुई तो दूसरी का लिंक है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। आपके पास जो बुक हार्ड फॉर्म में है उसमें ये 13th चैप्टर है, और जो आपको मैंने बुक सॉफ्ट कॉपी दी थी उसमें ये 12th चैप्टर ही है। चैप्टर वैसे सेम है दोनों बुक्स में, सिर्फ चैप्टर नंबर डिफरेंट है। ये जो चैट में सब बच्चों को नजर आ रही है सब स्लाइड जो मैंने शेयर की है, मिल गई है? मैम अभी तो नहीं शो हुई। अच्छा, मेरी तरफ से चली गई है, इनको देख लीजिएगा, अगर एंड तक भी ना शो हुई फिर मुझे बताइएगा। ओके मैम। जो मैंने पीडीएफ फॉर्म में शेयर किया वो ज्यादा बेहतर साइट है, और एक ही मैंने लिंक शेयर किया है ये ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर वो ना हो तो फिर चले आप इनको देख लीजिएगा, लेकिन वो मिल जाएंगे, अदरवाइज मैं आपको व्हाट्सएप में भी भेज दूंगी। मैम लिंक आ गया। लिंक तो बाद में भेजे ना, बल्कि मैं अभी भी देखती हूँ, अगर व्हाट्सएप में जाती हूँ तो इधर से अटैच नहीं। चलिए ठीक है, ना गई तो मैं बाद में आपको व्हाट्सएप से भेज दूँगी। बच्चे अब आ गए, ओके हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सिक्स चैप्टर में हमने 12 जो ओपन इकोनॉमी के अजम्पशंस थे वो हमने पढ़े थे, और ये हमने अज्यूम किया था कि स्मॉल ओपन इकोनॉमी लेंगे, वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट लेंगे, और फ्री कैपिटल मोबिलिटी लेंगे, और इसके साथ ये कि नेट एक्सपोर्ट्स जो से हैं दे आर नेगेटिवली रिलेटेड टू द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी विच वी नीड टू बाई अ सिंगल यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मीन प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म ऑफ येन। इस डेफिनेशन के बाद हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि नेट एक्सपोर्ट्स का क्या रिलेशनशिप है रेट ऑफ एक्सचेंज रेट के साथ। एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा मीन आपकी करेंसी एप्रिशिएट होगी, तो योर एक्सपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव फॉर द अदर, सो योर एक्सपोर्ट्स विल डिक्रीज एंड इम्पोर्ट्स विल बिकम चीपर फॉर योर कंट्री, सो इम्पोर्ट्स विल इंक्रीज एंड नेट एक्सपोर्ट्स विल डिक्रीज। नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। इन बेसिक चीजों को सामने देखते हुए हमने इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम पढ़ा था, नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस है ये पढ़ा था। इस चैप्टर में वी विल डेवलप द मंडल फ्लेमिंग मॉडल। मंडल फ्लेमिंग मॉडल बेसिकली जो हमने पिछले चैप्टर में जो 11वां आपकी बुक में 12th चैप्टर वो बनता है ISLM मॉडल स्टडी किया था, उसी की एक तरह से एक्सटेंशन है। वो क्लोज इकोनॉमी के लिए था, ये ओपन इकोनॉमी के लिए है। वैसे उसमें भी हमने फिक्स एक्सचेंज प्राइस लेवल लिया था, इसमें प्राइस लेवल फिक्स होगा, लेकिन ओपन इकोनॉमी की वजह से ये जरा एडवांस्ड है, और ये शो असल में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था मंडल को ये मॉडल डेवलप करने पे। और इसका जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है इस मॉडल का वो ये है कि आपके पास जब आप क्लोज इकोनॉमी में काम कर रहे हैं तो एक मनी मार्केट है, एक गुड्स मार्केट है। आप इक्विलिब्रियम के लिए उधर से मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर सकते हैं, मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इन्फ्लेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप फिजिकल पॉलिसी यूज कर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट को एनहांस करें, इंक्रीज करें, योर अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज। बट व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ओपन इकोनॉमी देन देयर इज अ थर्ड वेरिएबल व्हिच इज एक्सचेंज रेट, एंड यू हैव आल्सो टू डील विद योर नेट एक्सपोर्ट्स एंड कैपिटल आउटफ्लो एंड इनफ्लो। इन दी दैट केस यू हैव थ्री इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। एक्सचेंज रेट्स आर बैलेंस ऑफ मार्केट या बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, एंड यू हैव ओनली टू पॉलिसी वेरिएबल्स। सो मंडल गिव द मंडल फ्लेमिंग मॉडल विच एट द एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट गाइड अस दैट हाउ वी विल शुड यूज आवर पॉलिसीज इन एन ओपन इकोनॉमी। स्मॉल ओपन इकोनॉमी इसमें पढ़ेंगे अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, स्मॉल ओपन इकोनॉमी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड एक्सचेंज रेट शुड बी फिक्स आर इट शुड बी फ्लोटिंग। बहुत से कंट्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हैं और बहुत से फिक्स को, एंड द मंडल फ्लेमिंग मॉडल विद चेंजिंग प्राइस लेवल। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ मंडल फ्लेमिंग मॉडल को डेवलप करेंगे। वंस अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर सिंपल अजम्पशंस। अजम्पशंस आर टू सिंप्लीफाई द मॉडल एंड टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल। स्मॉल ओपन इकोनॉमी विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, ये दोनों बातें हमारी अजम्पशन है कि इकोनॉमी स्मॉल एंड
it has perfect capital mobility, and third assumption R is equal to R sterling, that we will take the world exchange rate, world interest rate. Small open economy mean country is too small to affect the world real interest rate. Perfect capital mobility mean a domestic interest rate will be equal to the world interest rate. Borrower can always borrow at R sterling, lender can always lend at R sterling. Mean world interest rate pay within aapke country or outside the country. आप जितना भी लोन लें और जितना भी आप लोन दें, आपको यही इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलेगा. इसमें कैपिटल फ्लोज का जो रेट है वो जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है. इफ समथिंग हैपेंस दैट रेज द इंटरेस्ट रेट इन क्लोज्ड इकॉनमी. क्लोज्ड इकॉनमी मीन कि जब आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप बिल्कुल आपका वर्ल्ड के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं, उस सिचुएशन में जो आप इंटरेस्ट रेट देते हैं वो ये है जिसको हम आर से शो करते हैं, आर स्टेरिक वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट. अब थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारी इकॉनमी क्लोज है, उसका आर स्टेरिक से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है. तो आपका कोई भी इकॉनमी में ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे आपकी सेविंग कम हो जाती है, किसी भी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ जाती है, तो आपका इंटरेस्ट रेट राइज करता है. लेकिन आपकी इकॉनमी और आपका इंटरेस्ट रेट राइज करेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी. लेकिन अगर इकॉनमी ओपन होगी तो आपका इंटरेस्ट रेट राइज नहीं करेगा. जो ही आपका इंटरेस्ट रेट राइज करेगा, फॉरनर्स को पता लग जाएगा कि इस कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, तो कैपिटल फ्लो करेगा आपकी कंट्री की तरफ. जब फॉरेन करेंसी जो सी है वो आपके एक कंट्री की तरफ फ्लो करेगी, और वो ज्यादा से ज्यादा आपकी डोमेस्टिक करेंसी यहाँ पे डॉलर है, आपकी करेंसी की फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहेंगे ताकि ये जो आपका इंक्रीज इंटरेस्ट रेट है इससे अर्न कर सके. तो आपका इंटरेस्ट रेट दोबारा से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एंड इट विल कम डाउन टू आर स्टेरिक. इसी तरह अगर आपके इंटरेस्ट रेट के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कि क्लोज इकॉनमी में पॉसिबल है कि आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर जाता है, ये आर जो से क्लोज इकॉनमी का अपना इंटरेस्ट रेट है, तो आपकी कंट्री में जो लोगों के पास इनकम है, जो सेविंग्स है, वो उसको दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट कर देंगे. तो आप दूसरे कंट्रीज में जब इन्वेस्ट करेंगे तो इस चीज को क्या कहते हैं, कैपिटल आउटफ्लोज, या कैपिटल फ्लोज आउट तो लिखा हुआ लेकिन कैपिटल आउटफ्लो हम इसे नॉर्मली कहते हैं. इस सिचुएशन में आपका इंटरेस्ट रेट जो कि डिक्रीज हुआ था वो दोबारा इंक्रीज कर जाएगा. मैम मासिया कह रही है कि मुझे एंटर कर लें. अच्छा अभी करती हूँ मैं, थोड़ी देर तक जूम की तरफ जाती हूँ. वो साइड थी जो पीडीएफ फॉर्म में, ये वो साइड है जिनका मैंने आपको लिंक भेजा. ये थोड़ी सी सिंपल है, वो भी इजी है, कोई इनमें नहीं, आप इनमें से कोई भी देख सकते हैं उसे. ये वही की अजम्पशन, एक so here only one thing which we have added to the IS equation are the net exports, which are a negative function of exchange rate. Like ISLM model, Wendell Fleming model takes prices as fixed, so changes in nominal exchange rates are equal to the changes in real exchange rate. Now goods market equilibrium mein we will take R is equal to R steric, mean in an open economy which is very small, domestic interest rate will be equal to the world interest rate. So Y is equal to consumption plus investment, which is now the function of world interest rate plus government expenditure plus net exports. Here R steric will be considered as exogenous variable. Pehle humne jab simple ISLM model jo hai usko padha tha, to usme आर हमारे पास एंडोजनस वेरिएबल था, मीन हम उसे चेंज कर सकते थे डोमेस्टिकली, बट हियर आर स्टेरिक इज एन एंडोजनस वेरिएबल. वी नो दैट मंडल फ्लेमिंग विल बी अ डिफरेंट मॉडल देन आईएसएलएम मॉडल वेयर आर वाज एंडोजनस वेरिएबल. कॉल दिस इक्वेशन अबव द आईएस इक्वेशन. स्टेरिक मीन दैट आर इज इक्वल टू आर स्टेरिक, नॉट इक्वल टू आर. नाउ
we will drive the IS Terry curve diagrammatically. इसमें सबसे पहले जो पैनल सी आप इसको ऑब्जर्व करें, इसमें और सिंपल ISLM मॉडल में जो IS curve था उसमें क्या डिफरेंट था कि यहाँ y एक्सिस पे हम रियल एक्सचेंज रेट ले रहे थे, डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट, लेकिन अब यहाँ पे हम सॉरी इंटरेस्ट रेट लिया था, लेकिन अब हम यहाँ पे एक्सचेंज रेट ले रहे हैं विच इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट। पिछला चैप्टर अगर आप निकाल के देखें जो इस बुक में 11वां चैप्टर होगा या आपकी बुक में 12वां चैप्टर है, उसमें हमने जब IS ड्राइव किया था फ्रॉम केन्जियन क्रॉस तो इस जगह पे हमने इंटरेस्ट रेट लिया था, जबकि जो पैनल ए है इसमें हमने इस वक्त लिया है नेट एक्सपोर्ट्स एज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट, लेकिन तब जब हमने IS कर्व ड्राइव किया था तब हमने लिया था इन्वेस्टमेंट एज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब हम जब ड्राइव कर रहे हैं ओपन इकोनॉमी में इस डिफरेंस को आपने अंडरस्टैंड करना है, डायग्राम बिल्कुल सेम वही है जो हमने पहले बनाई थी। Now once again we start from panel A. In panel A, we are showing net exports which are the negative function of exchange rate. कैसे? जब भी exchange rate increase करेगा, your currency will be appreciated. Appreciation of your currency mean that now your exports are expensive for the foreigners. When your exports become expensive and imports become cheaper for domestic residents, then net exports decrease. So net exports decrease from NXE1 to NXE2. Now exchange rate is higher and net exports are lesser at this red point. If we see in panel B what happens that when the exchange rate rises, net export or planned expenditure decreases and decrease in planned expenditure shift this curve from point blue to red. This increase in net exports will decrease the national income from Y1 to Y2. Now we combine this increase in exchange rate and decrease in national income, we get this point in panel C. Original point was that we will take E1 from A here and national income Y1 from B and they intersect at this blue point. Now by joining this red and blue point we get a negatively sloping curve which is the IS curve which shows here the negative function between the exchange rate and the national income. That whenever your currency appreciates or your net export decrease, that's why your national income decreases from Y1 to Y2. The IS curve summarizes these changes in the goods market equilibrium. Simply, we will use this diagram. जो पिछली दोनों डायग्राम है वो सिर्फ ये कि पीछे आपकी नेट एक्सपोर्ट्स के साथ क्या हुआ और केन्जियन क्रास के हिसाब से आपके नेट एक्सपेंडिचर्स को क्या फर्क पड़ा और किस तरह आपने IS curve जो है वो ड्राइव किया। ये डायग्राम भी नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रही है आपके एक्सचेंज रेट और आपकी नेशनल इनकम के दरमियान। अगेन वही रीजनिंग यहाँ पे रिवाइज की हुई है कि व्हाई डज द आईएस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, बिकॉज़ लोअर आर इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज मल्टीप्लाइड आउट टू सम चेंजेस इन वाई, हेंस लोअर आर इज एसोसिएटेड विद हायर वाई, सो आईएस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये उस आईएस कर्व की बात है जब हमने ओपन इकोनॉमी की बात नहीं की थी, तब हमारा जब भी रियल एक्सचेंज रेट इंक्रीज करता था हमारी इन्वेस्टमेंट हम कहते थे कि कम हो गई है जिसकी वजह से हमारी वाई कम हुई है, लेकिन ओपन इकोनॉमी में हम क्या कहेंगे कि व्हेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस नेट एक्सपोर्ट्स इज मल्टीप्लाइड आउट टू सम चेंज इन वाई, मल्टीप्लाइड आउट मीन कि नेट एक्सपोर्ट्स आपकी कम हुई है, जो कमी आई है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ वाई के में शो होगी, हेंस लोअर ई इज एसोसिएटेड विद हायर वाई, so IS Terry curve slopes downward. Now we will see ki what will shift the IS and IS Terry. Same thing here, changes in government expenditure, changes in taxes, A and different baat isme kya open economy mein aur closed economy mein, that changes in R and trade restrictions shift the IS curve. Mean ki R jo si hai wo hum change hota tha tab jab closed economy thi, ab R jo sa given hi rahega aur trade restriction ya एक्सपोर्ट्स में आने वाली चेंजेस जो हैं या एक्सचेंज रेट में
वो आपके आईएस कर्व को शिफ्ट कर सकती है। अब तक हमने जो आईएस कर्व की है, आपके पास बुक्स भी हैं, अगर आप उसको बच्चा खोल के देखना चाहे, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे। एलएम कर्व भी हमने आज करके, आज हमने इस मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर लेना है, इसके फिर पॉलिसी ऑप्शन के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज मैं आपको ये फोर्थ असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगी, वो भी ऐसी होगी जैसी अभी पिछली थी, आसान थी और मेरे ख्याल से आप लोगों ने आसानी से जल्दी कर ली होगी। इससे थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो वो भी बहरा इसी तरह का होगा। ओके, नाउ वी विल कम टुवर्ड मनी मार्केट, क्योंकि ये सेलम दोनों हम ड्राइव करेंगे ओपन इकोनॉमी के लिए, तो ही हम इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम फाइंड कर सकेंगे। अगर हमें याद हो पुरानी हमारी LM equation, that will be equal to the real money supply, M over P mean real money supply is equal to money demand, L is money demand which is function of interest rate and national income. As before we are assuming here that pi static is equal to zero, so R is equal to nominal interest rate. Pi के ऊपर ये जो E दी हुई है ये असल में inflation rate. तो अगर inflation rate zero हो तो आपका real interest rate और nominal interest rate बराबर हो जाते हैं। आर आपकी बुक में भी ये डिटेल हो या ना हो, लेकिन आर और इज इक्वल टू आर मीन रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, बिकॉज़ वी हैव अज्यूम दैट प्राइस लेवल इज फिक्स्ड, प्राइस इज नॉट चेंजिंग ड्यूरिंग आवर डिस्कशन, सो द इन्फ्लेशन रेट इज कांस्टेंट। मेकिंग आवर सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर स्टैटिक फॉर आर, वी विल गेट दैट एम ओवर पी मीन मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड व्हिच इज फंक्शन ऑफ आर स्टैटिक मीन वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट एंड वाई मीन नेशनल इनकम। This equation implies that for every level of M over P, there is only one value of Y that will make the equation balanced. क्योंकि R तो given है, उसे आप change कर नहीं सकते। तो जब भी money supply change होगी तो income level जो सी adjust नहीं करेगी, एक ही given level income का होगा और उस पर जो money demand होगी, money supply को उसके हिसाब से change करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप R salary को change नहीं कर सकते, वो आपने international जो interest rate है उसको follow करना है। जबकि पहले आप ओपन इकोनॉमी की जब बात नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे आप आर को चेंज कर सकते थे अपनी इक्विलिब्रियम लेवल को एडजस्ट करने के लिए। ये फर्क है ओपन इकोनॉमी का और क्लोज इकोनॉमी का। नाउ वी सी दैट इट विल बिकम लाइक दिस, दैट एलएम जो हमारा सिंपल था, द मनी मार्केट एलएम कर्व वाज अपवर्ड स्लोपिंग वेयर मनी सप्लाई वाज इक्वल टू मनी डिमांड, बट हियर वी हैव टू टेक दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज इक्वल टू द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन व्हिच इज horizontal to the y-axis. So here R will not affect the domestic income. When R will not affect the domestic income, in open economy we will have only one point where at the given world interest rate national income is in equilibrium. So LM curve which we will take for the open economy will be a vertical straight line at a given national income where money market is in equilibrium. We will not take the upward sloping LM curve which shows that LM is a positive function, ya LM mean ki real interest, jab bhi aapka domestic interest rate R increase ho to aapki investment kam hoti hai, investment kam hone se aapki income kam ho jati hai. Hum sirf ye ek single point lenge jo is LM curve ne hame diya hai, lekin ab hum y x axis pe exchange rate lenge. Exchange rate kyunki money market ki equilibrium ko affect nahi kar raha, और एक्सचेंज रेट मनी मार्केट से लिया गया सिर्फ इस इनकम लेवल को शो करेगा एलएम कर्व, तो यहाँ पे हम एलएम कर्व वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इट शोज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वेयर मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई इन मनी मार्केट। अब हमने जो आईएस कर्व ड्राइव किया था उसको और जो हमने एलएम कर्व अभी देखा है इनको कंबाइन करेंगे। हियर इज LM a vertical straight line, IS downward sloping from left to right and their intersection show that this is equilibrium, national equilibrium income and on the y-axis is the exchange rate. At this exchange rate
and the given interest rate, which is the world interest rate, and at this national income, money market and goods market both are in equilibrium, and it is the model which we will use to explain the use of the policy mix in an open, in a small open economy, and it is called the Mundell Fleming model. Now analyzing the shift in IS and LM, ये हम कल की क्लास में करेंगे. इसमें अब ये है कि जो हमने अब तक पीछे नहीं पढ़ा था ओपन इकोनॉमी, जब से अब शुरू करेंगे तो पढ़ेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन होते हैं कि वो एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग ले, फिक्स्ड ले या मैनेज्ड फ्लोटिंग ले ले. तो इनमें कौन सा पॉलिसी ऑप्शन यूज करना चाहिए, कौन सा एक्सचेंज रेट जो है वो ज्यादा बेटर है. हमारी क्लास का टाइम भी तकरीबन खत्म होने वाला है. इसमें से आई एस एल एम में से कोई भी ओपन इकोनॉमी के लिए हमने ड्राइव करें, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो गया. कुछ बच्चों ने अपनी जो एक आध बच्चे का कोई असाइनमेंट का प्रॉब्लम था, कुछ बच्चों ने असाइनमेंट पोर्टल पर भेजने के बजाय मुझे मेल की है, उसको मैं आज ही फिर देखूंगी. अभी तक मैंने देखी नहीं कि उन्होंने मेल क्यों की है. तो उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप बता दीजिएगा, अदरवाइज फिर फोर्थ असाइनमेंट में आज अपलोड कर दूंगी. बाकी सब्जेक्ट्स की आपकी कितनी कितनी असाइनमेंट्स हो गई हैं?